नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो BSF की दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की होम मिनिस्ट्रियल की दोस्तों वैकेंसी आ गई है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कब से फॉर्म फिल होंगे और कितनी वैकेंसी हैं और क्या प्रोसेसर है सिलेक्शन का, क्या क्या सिलेबस है। तो दोस्तों इसी वीडियो में आप बने रहें, पूरा वीडियो को देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये असिस्टेंट ASI की दोस्तों स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 11 वैकेंसी हैं, और दोस्तों जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है दोस्तों 312 वैकेंसी है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 323 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये 323 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट क्या है दोस्तों, 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज रिजर्व रिलैक्सेशन है दोस्तों वो आपको मिलेगा, जैसे SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, इस प्रकार से दोस्तों आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, तो दोस्तों जिन भी साथियों ने 10+2 पास कर लिया किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दोस्तों वो सभी एलिजिबल होंगे इसके लिए। और यहाँ पर आपका जो शॉर्ट हैंड दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में। और दोस्तों जो हेड कांस्टेबल के लिए दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी ये होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी हाइट दी हुई है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल ट्राइब, ST को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150। तो दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पर ये ST कैंडिडेट की दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ये चेस्ट दिया हुआ है, जनरल OBC SC और EWS कैटेगरी 77 अनएक्सपेंडेटेड और दोस्तों 82 एक्सपेंडेटेड, और यहाँ पर ये ST का दिया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इनके लिए दोस्तों क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो दोस्तों दो फेसों में आपका सिलेक्शन होगा, जैसे कि फर्स्ट फेज होगा दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन, क्या होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो दोस्तों सेकंड फेज में आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट और शॉर्ट हैंड फॉर ASI और टाइपिंग टेस्ट दोस्तों किसके लिए, आपका हेड कांस्टेबल के लिए, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपके पार्ट वन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स का होगा दोस्तों, पार्ट टू जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का, और दोस्तों पार्ट तीन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आपके हो जाते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स। तो दोस्तों 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जो कि आपको पास करना होगा। तो दोस्तों इसी के आधार पर फिर आप यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के लिए जाएंगे। तो ये सभी वीडियो दोस्तों आपको हमारे ही चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको हमारी सभी वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएं। दोस्तों अब देखते हैं आपको कब से कब तक अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये आपको 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आपको अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन मोड में दोस्तों अप्लाई करना है यहाँ पर, और किसी भी ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। और दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर इस फॉर्म को BSF के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको इन सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, प्रॉपर वीडियो मिलेंगे आपको। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।